हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक बारे में। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, इसके उपचार क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाती है, इससे कैसे बचा जाए, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर ब्रेन में, दिमाग में ब्लड रक्त फ्लो स्टॉप हो जाने से होता है। इससे पेशेंट के ब्रेन की सेल्स वर्क करना बंद कर देती है और बॉडी में कई प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। इससे दिमाग को काफ़ी नुकसान होता है। मींस ब्रेन स्ट्रोक अकर ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन। ब्रेन में, दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन अगर रुक जाता है तो इस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ओके, कई ब्लड वेसल्स जो है हार्ट से ब्रेन तक ब्लड पहुंचाती हैं। ओके, अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो ब्रेन में, तो इसमें ब्लड का थक्का, ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड का थक्का जमने या रक्त संचार बाधित होने पर ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति बनती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स लोगों में अलग अलग होते हैं। कई मामलों में पेशेंट को पता नहीं चल पाता है कि उसे ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर इसके सिम्टम जो है अचानक अपीयर होते हैं, सडन अपीयर होते हैं। सच एज फेस और हाथ पैर में, विशेष रूप से बॉडी के एक भाग में वीकनेस आ जाना, समझने या बोलने में प्रॉब्लम होना, एक या दोनों आँखों की क्षमता प्रभावित होना, मतलब अचानक धुंधला दिखाई देना, चलने में प्रॉब्लम आना, चक्कर आना और सडन हेडेक होना, अचानक तेज सिर दर्द होना और पैरालिसिस होना। पैरालिसिस में जैसे ब्रेन स्ट्रोक के दौरान आप अपने शरीर के एक तरफ या अपने किसी अंग में पैरालिसिस का सामना कर सकते हैं। लाइक पेशेंट का के मुंह का एक हिस्सा या मरीज का कोई, पेशेंट का कोई अदर अंग आर्गन जो है लकवा मार सकता है, बैलेंस बिगड़ना। इंड्यूरिंग ब्रेन स्ट्रोक, चलने या हिलने डुलने की क्षमता खत्म हो जाती है। पेशेंट का ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है, बॉडी में संतुलन की भावना खो जाती है, खो सकते हैं। ओके, और दोस्तों आइए जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट क्या है। स्टार्टिंग सिम्टम को TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है, जो शुरुआती सिम्टम होते हैं, शुरुआती दिखाई देते हैं सिम्टम, उसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है। ये अस्थायी होते हैं। अगर इसमें लापरवाही की जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है, स्थिति जो है सीरियस हो जाती है। ब्रेन स्ट्रोक में 3 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट उपचार हो जाए तो मेडिसिन देकर क्लॉटिंग खत्म की जाती है। मतलब अगर जो ब्रेन स्ट्रोक जिस पेशेंट को हुआ है, अगर उसको 3 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट, इलाज शुरू हो जाए तो उस पेशेंट को मेडिसिन देकर उसकी क्लॉटिंग, जो ब्रेन में क्लॉट हुआ है, रक्त का थक्का जमा है, उसको खत्म की जा सकती है। ऐसे पेशेंट को ब्लड के थक्के मतलब ब्लड क्लॉटिंग गलाने वाला इंजेक्शन दिया जाता है। ब्रेन स्ट्रोक के 3 घंटे के भीतर जो ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं उसे गोल्डन पीरियड कहते हैं। जो ब्रेन स्ट्रोक जिस पेशेंट को 3 घंटे के भीतर अगर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो उससे जो हम लोग गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ओके, और दोस्तों चलिए जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक से कैसे बचें। डेली एक्सरसाइज करें जिससे आपके ब्रेन के साथ बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा। ओके, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, गहरी सांस लें, इससे आपकी याददाश्त इंक्रीज होगी, याददाश्त बढ़ेगी। स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज़्यादा दूर तक टहलते हैं उनके ब्रेन के व्हाइट मैटर, ब्रेन में जो व्हाइट मैटर होता है उसके ढांचों की स्ट्रक्चर जो है बेहतर रहती है। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।